तो गाइज, जैसा हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया था डीसी की मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो वैसे ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्वल्स की मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो देखो, उसके अंदर मैं मैन ऑफ स्टील को इंक्लूड करना भूल गया था, मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिख दिया है। और बात करें दी बैटमैन की, तो दी बैटमैन तो अभी रिलीज़ हुई है, तो अभी जिस तरीके से दी बैटमैन बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन पे आ सकती है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है एक्वामैन जिसका 1.1 बिलियन के अप्रॉक्स कलेक्शन है। तो अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि द बैटमैन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वीकेंड का वो 248 मिलियन का है। तो अभी बात करें हम मार्वल्स के बारे में, तो 10th पोजीशन पे आती है कैप्टन मार्वल जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.128 बिलियन का था। तो बढ़ते 9th पे, तो 9th पे आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जो कि सीक्वल है स्पाइडरमैन होमकमिंग का, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.131 बिलियन का है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं 8th पोजीशन पे, तो 8th पोजीशन पे आती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जो कि आई थी 2016 में, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.153 बिलियन है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं 7th पे, तो 7th पे आती है आयरन मैन 3, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.214 बिलियन है। तो बढ़ते हैं 6th पे, तो 6th पे आती है ब्लैक पैंथर जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.347 बिलियन डॉलर का था। बात करें 5th पोजीशन पे, तो 5th पोजीशन पे आती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.042 बिलियन डॉलर का था। तो बढ़े 4th पे, तो 4th पे अगेन आती है दी एवेंजर्स जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.518 बिलियन डॉलर का था। तो 3rd नंबर पे आती है स्पाइडर मैन नो वे होम। देखो, ये मूवी अभी भी थिएटर में चल रही है, तो थोड़े बहुत तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ने ही वाले हैं, पर फिर भी अभी तक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.866 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं 2nd पोजीशन पे, तो 2nd पोजीशन पे आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.048 बिलियन डॉलर का था। तो बढ़े 1st पे, तो 1st पे आती है एवेंजर्स एंड गेम जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.797 बिलियन डॉलर का है। तो मुझे तो नहीं लगता इतना जल्दी इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोई भी मूवी तोड़ पाएगी। खैर, इस लिस्ट में काफ़ी चेंजेस हो गए, क्योंकि जैसे जैसे मूवीज़ आएंगी वैसे वैसे ये लिस्ट भी चेंज होगी, क्योंकि आगे आगे बहुत ही भयंकर मूवीज़ आने वाली हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर लव एंड थंडर, वकांडा फॉर एवर, एंड मैन एंड द वास्प, क्वांटमेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। मुझे तो लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज जितनी मूवीज़ आने वाली हैं मोस्टली सारी मूवीज़ 1 बिलियन क्रॉस करेंगी। खास करके अगर इस साल की बात करें, तो इस साल डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस करने वाली है। तो देखो, अगर आपको मार्वल्स की सारी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट करके बताओ। खैर, वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग अनफोल्ड सिनेमा।